भाजपा सरकार के शानदार 9 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के छुरिया में विधानसभा स्तरीय भाजपा संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद एवं जनप्रिय नेता अभिषेक सिंह विशेष तौर पर शामिल हुए। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उपस्थित जन समुदाय को केंद्र की मोदी सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण करने की बातें बताई गई तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनहित में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर जिला प्रभारी अवधेश चंदेल जी, जिला अध्यक्ष रमेश पटेल जी, वैब मोर्चा के अध्यक्ष भरत वर्मा जी, लोकसभा प्रभारी दिनेश गांधी जी सहित बतौर प्रभारी शामिल हुआ। छोटे हैं तो एक बार जोरदार ताली बजाकर हम सबके स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब कांग्रेस सरकार के और विधायक के हालत तो ये है कि जो 90 दुकान हमर छुरिया के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जेखर पैसा आगे रहे, आज 4.5 साल हो गए हैं और योजना के भ्रष्टाचार में डुबो डुबो कर आज भी हालत ये है कि विवाद के चक्कर में ओखर लाभ छुरिया क्षेत्र के दुकानदार ला नहीं मिले। भूपेश बघेल बहुत जोर जोर से कही थे कि किसान ला हम 2500 रुपया दे थे। 2017-18 में केंद्र के धान के समर्थन मूल्य कतेक रही कौन ला सुनता है? 2017-18 के वर्ष में केंद्र से मिले वाले धान के राशि 1550 रुपया, कते 1550 रुपया प्रति क्विंटल रही। और कल और आज के अखबार में आपन देखे हो कि आज केंद्र के धान के समर्थन मूल्य ला हमारे प्रधानमंत्री जी बढ़ा बढ़ाकर 2183 रुपया और 2203 रुपया करे है। एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रधानमंत्री जी ला हम स्वागत करते हैं। तो 1550 से 2203, 1550 से 2203 हो गए, कतेक बढ़ीस? ₹650 से ज्यादा बढ़े हैं।